रीवा में हाईवे पर तीन ट्रक आपस में भिड़े। दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, तीसरा ट्रक भी पीछे से टकराया और तीन लोग घायल हो गए। जिले के चिराहटा थाना क्षेत्र किटवरिया बाईपास के पास तीन ट्रक आपस में भिड़ गए। नेशनल हाईवे 30 में दो ट्रक आमने सामने टकरा गए। इसी बीच तेज रफ्तार तीसरा ट्रक भी पीछे से टकरा गया। घटना में तीसरा ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकलवाया। 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहां ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर है। यहां से डॉक्टरों ने उसे बनारस मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। इधर चुराहटा पुलिस का दावा है कि तीनों ट्रकों की ओर से अभी तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच एक ट्रक टवरिया बाईपास के ढावे से बेला की ओर रवाना हुआ। इसी बीच बेला की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक सामने से भिड़ गया। जब तक दोनों ट्रकों के चालक निकलने की कोशिश शुरू किए, तभी कुछ ही सेकंडों में सीमेंट से लोड तीसरा ट्रक भी 100 की स्पीड में आकर भिड़ गया, जिसका अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस की माने तो हादसे में दूसरे ट्रक का चालक संजय कुमार निवासी हैदराबाद, तीसरे ट्रक का चालक राम बहादुर सिंह निवासी मिर्जापुर, विनोद कुमार केवट घायल हुआ है। तीसरे ट्रक चालक राज बहादुर की हालत गंभीर बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।